Vande Guru Padadandam Bhaktavinda Samannitam Sri Chaitanya Prabhu Vande Nityananda Sahoditam Sri Nanda Nandanam Vande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Vrindavanam Manoharam Vāñcākalpataru-vaśya-kipāsindhu-vyavacham Patitānaṁ pāvane-bhavaiṣṇavibhyo-namo-namah Mūkaṁ karoti-vācālaṁ pangoṁ langhaitikirim Yat-kipātamahaṁ bandhi-paramānanda-mādhavam Vṛndāvai-tulsi-dev-vai-piyāvai-kesa-vasya-cham Shna Bhakti Pade Devi Sattva Vattvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Naranjai Vanaruttamam Devin Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Katho Padeshe Gauriya Patrasya Prakasanecha Hadanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodakshya Jagod Baranya Deyam Sada Paribhavagna Mavishtaduham Titas Vadam Siva Virenjanutam Saranya Bhittatiham Banutaval Havadibhutam Bande Mahapurusate Charanar Vindam Yat Pada Pallavana Kajandamani Chatai Bhispurjitu kimapigavodhu swadarsi purna nuragara sasagara saramurti radhika muikada kipam karu Sri Krishna Chaitanya Prabhunityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Bindu Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Ajanulamita bhujo kanaka bodhato Sanketanai kavitaro gamala yathaksho Visham Visham baro dijavaro jugadharma palo Bande jagat priyakaro karuna bhataro Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare, Hare. Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Vandito Diparupam Bhuktin cha muktin cha dada sinitam Bhavan rupe na sada naranam Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tobam bhagam Narayuno priyamananga mada paharam Varanasi Purapati Bhajavihi Shanatham Bhagi Sajasya Vadane Lakshmi Jashacha Vakshasi Jasyaste Hidaya Sambhi Tvam Nishinga Mahamaji Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare,
एवं प्रकृति वैचित्रात् भिद्यते मतयो निनाम परम्परजेन के संचित पासन्न मतयो परि एवं प्रकृति वैचित्रात् भिद्यते भिद्यन्ते मतयो निनाम परम्परजेन के संचित पासन्न मतयो परि एवं प्रकृति वैचित्रात् भिद्यन्ते मतयो निनाम परम्परजेन के संचित पासन्न मतयो परि गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए गुरु का काम कौन कर सकता, गुरु का काम कौन कर सकता। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए हम लोगों का मापिक दुर्गत पतित जीवों को उद्धार करने के लिए मनुष्य रूप में जो सब महापुरुष भगवान के द्वारा प्रेरित होकर पर जगत से इस जगत में आया हुआ है, जो लोग जो महात्मा लोग त्रितापग्रस्तों त्रितापों में दग्धीभूत त्रितापों में कष्ट में जो प्राप्त हो रहा है ऐसा मनुष्य को उद्धार करके भगवत धाम में भेजने का काम करता है। जनस्य कृष्णात् विमुखो सदैवाद अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनम् भूतानि भाव्यानि जनत जनार्दनस्य। जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवा अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनम् भूतानि भाव्यानि जनार्दनस्य। हम लोगों का माफिक पतित दुर्गत जीवों को उद्धार करने के लिए मनुष्य रूप धारण करके जो सब महापुरुष लोग भगवान के द्वारा प्रेरित होकर नित्य जगत से पर जगत से इस जगत में आए हुए हैं, जो जो लोग त्रिताप में जल रहा है जो लोग त्रिताप में जल रहा है इन लोगों को भगवत राज्यों में भेजने के लिए आए हुए हैं, जो भगवान का पार्षद लोग भगवान का पार्षद लोग भगवान का प्रेरित निजीजन भगवान के द्वारा प्रेरित निजीजन ये लोग गुरु हैं। भगवान अपना भक्त लोगों को ही भगवान अपना भक्त लोगों को ही अपना दूत बनाकर मैसेंजर बनाकर वैकुंठ जगत का वार्ता प्रचार करने के लिए आम आदमी को गिरा हुआ इंसान को बचाने के लिए जो महापुरुष लोग भगवान के द्वारा प्रेरित होकर इस जगत में आते हैं ये लोग गुरु का काम कर सकता है। गुरु का काम हर भक्ति गुरु का काम हर व्यक्ति कर नहीं सकता जब भी महाप्रभु जी ने बताए अमार आज्ञाए गुरु होइया तारो ए देश, लेकिन इसका गहरा अर्थ जो है इसका चर्चा हो चुका है। अमार आज्ञाए गुरु होइया तारो ए देश, मेरा आज्ञा के द्वारा गुरु होकर मतलब गुरु का काम करो, मेरा आज्ञा को पालन करो, मेरा आचार आदर्शों को अपना जीवन में मेरा शिक्षा को मेरा आचार आदर्शों सब कुछ अपना जिंदगी में लाओ पालन करो, इसके बाद गुरु का काम करो। मेरा अमार आज्ञा गुरु हो या तारो ही देश, अब तो जीवों को उद्धार करो। लेकिन ये
हर आदमी गुरु का काम करने लग जाए, ये कैसे संभव है? पोपात कह रहे हैं, जो महापुरुष, जो भगवान का निजी जन महापुरुष भोग प्रवृत्ति और त्याग, भोग प्रवृत्ति और त्याग करने का प्रवृत्ति दोनों को ही जो बलिदान देने के लिए तैयार है, जो महापुरुष लोग युक्त वैराग्यों का रहस्य जानते हैं, जो महापुरुष लोग युक्त वैराग्यों का जो विज्ञान है, रहस्य है, जानने वाले हैं, वो लोग भोग प्रवृत्ति और त्याग का जो प्रवृत्ति है, इन दोनों को ही बलिदान देने के लिए जो खड़ा हुआ है, जो भगवान का सेवा के लिए व्यस्त हैं, ये हैं वास्तव साधु। जो त्यागी बनना नहीं चाहता, त्यागी बनाना नहीं चाहता, त्यागी बनना नहीं चाहता, जो भोगी नहीं बनना चाहता, भोगी बनाना नहीं चाहता शिष्यों को, ये गुरु का काम करता है। विषय विग्रह, मूल विषय विग्रह भगवान श्री कृष्ण है। ये मूल विषय विग्रह का सेवा, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का सेवा छोड़कर जिसका जीवन जिंदगी में कोई मकसद है ही नहीं, विषय विग्रह भगवान श्री कृष्ण का सेवा छोड़कर दूसरा कोई काम, दूसरा कोई ड्यूटी कृत्य करना, कोई काम इसका नहीं, सिर्फ भगवान का सेवा। जिसका जिंदगी में भगवान का सेवा छोड़कर दूसरा कोई कर्म नहीं है, कृत्य नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है, बुद्धि नहीं है, व दर्शन भी नहीं है, ये गुरुपाद पद्म है। ये महापुरुष जो है महात्मा, ये गुरुपाद पद्म है। गुरुपाद पद्म किसी को वायलिंग नहीं करते हैं। वास्तव जो गुरुपाद पद्म है, ये कभी किसी को फ्लैटरिंग वायलिंग नहीं करते, तेल लगाते नहीं किसी का चरण में। सद्गुरु चरण कभी किसी को वायलिंग करते नहीं है। ये वास्तव निर्भीक शब्दों का, ये जो सद्गुरु पाद पद्म किसी को वायलिंग करते नहीं है, किसी को वायलिंग नहीं करते हैं, ये गुरुपाद पद्म, सद्गुरुपाद पद्म वास्तव सत्यों का निर्भीक प्रचारक। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा कठोर प्रवचन बोले तो किसी ने रूठ जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, मेरा विरुद्ध हो जाएंगे, ऐसा चिंता नहीं करते। सद्गुरुपाद पद्म, सद्गुरुपाद पद्म हर वक्त परम सत्व वस्तु का निर्भीक, निडर, निर्भीक प्रचारक है। ये कभी डरते नहीं, अरे दुनिया मेरे को डोनेशन देना बंद कर देगा ऐसा अगर बताए तो, ऐसा सोचते नहीं। जो होगा देखा जाएगा, दुनिया क्या कर लेगा मेरा, दुनिया क्या कर लेगा मेरा देख ले। भगवान का भजन के लिए, भगवान का हरि कथा प्रचार के लिए निर्भीक रूप से जो कठोर प्रवचन बोलते हैं, जो किसी को वायलिंग नहीं करते हैं, ये गुरु का काम कर सकता है। वो बात कह रहे हैं, सद्गुरु पाद पद्मों से महात्मा लोग जो है भगवत के द्वारा प्रेरित हो, जो गुरु का काम कर रहे हैं, ये हरि कथा छोड़कर दूसरा कोई बातें नहीं करते हैं। सद्गुरु पाद पद्मों जो आचार्यों का काम करता है, गुरु का काम करता है, गुरु का काम करने वाले जो हैं, ये कभी भगवत कथा, भगवान का कथा छोड़कर, हरि कथा छोड़कर दूसरा कोई कथा बताता नहीं। हरि सेवा छोड़कर दूसरा धर्म का, अरे तुम फलाना कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तुम्हारा समस्या का समाधान हो जाएगी, तुम्हारा बीवी बीमार है, ये काम करो, ये काली मैया का चरणामृत तो ले लो, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा कभी नहीं बोलते। हरि सेवा छोड़कर, हरि भजन छोड़कर कोई उपदेश
देते नहीं, ये सब महापुरुष लोग जिन्होंने 24 घंटा में एक सेकंड दूसरा कामों में व्यस्त नहीं है कि मैंने तो 20 घंटा ठाकुर जी का सेवा किया, ये चलो थोड़ा बहुत दूसरा काम भी कर ले, ऐसा नहीं। ये महात्मा लोग जो महापुरुष हैं, भगवान के द्वारा प्रेरित निजीजन हैं, ये 24 घंटा में एक सेकंड भी दूसरा कामों में व्यस्त नहीं होते। ऐसा माफिक जो महापुरुष का सिंटम है, पक्का समझ लेना, कोई पार्टी कलर आए तो आपका जिंदगी में ये बिछा ठहरेगा नहीं। ग्लैमर, पोजीशन, प्रतिष्ठा, ये सब जो है, ये अगर दिल में भरपूर है तो ये जो शुद्ध विचार है प्रभुपाद का, ये आपका दिल में ठहरेगा नहीं, आप मानोगे नहीं, ना हो नहीं सकता। प्रभुपाद बोले ऐसा माफिक जो महापुरुष है, ये लोग गुरु का काम कर सकता है। प्रभुपाद जी ने बहुत कठोर भाव से बताया, ये देखो एन इनसिंसियर हाइपोक्रेट कैन नॉट बी गुरु। जो जिसका कोई सिंसियरिटी नहीं है, जिसका कोई सिंसियरिटी नहीं है, जो कपट है, भंड है, ये गुरु का काम नहीं कर सकता। प्रभुपाद कह रहे हैं एन इनसिंसियर हाइपोक्रेट कैन नॉट बी ए गुरु। गुरु का काम इसका लिए संभव नहीं। प्रभुपाद जी ने एक कहानी बताते थे। प्रभुपाद कहते थे जखन जेदी के हवा बोए, बांग्ला में जब जहां जिस डिरेक्शन में, प्रभुपाद कहते थे ये गप, ये स्टोरी प्रभुपाद कहते थे मजाक के द्वारा। एक जमींदार का एक नायब अथवा नौकर थे, वो क्या करते थे, हर वक्त ये जमींदार जो कुछ भी कहे उसका समर्थन करते थे, हर वक्त वो समर्थन करते थे और गुरु वो जो कहे वही मान लेते थे। जब जमींदार उल्टा बोल रहा है तो वो उल्टा बोल रहा है, वो बोले हाँ आपने ठीक ही बोला। जब वो सीधा बोल रहा है तो बोले आपने ठीक ही बोल रहा है। प्रभुपाद ये लंबा कहानी है, हम नहीं बताएंगे, समय नहीं है। प्रभुपाद कहते थे ऐसा किस्म का कोई आदमी है जो जिस डिरेक्शन में, ऐसा किस्म का भी कोई आदमी है जिस तरफ हवा चले उस तरफ वो भी चले। जैसे श्रीमान महाप्रभु जी ने मुकुंदो भगवान का पार्षद, जैसे भगवान अपना पार्षद मुकुंदो को शास्ति दिया, भले इसको हम कृपा नहीं करेंगे। भक्तों लोग बोले प्रभु मुकुंदो आपका इतना सेवा करता है, मुकुंदो को नहीं कृपा कर, नहीं उसको नहीं करेंगे, नहीं उसको कृपा हम नहीं करेंगे। अरे प्रभु थोड़ा उसको कृपा भी कर दो, इतना सेवा करता है, चल 1 करोड़ जन्म बात कर देंगे, 1 करोड़। मुकुंदो ने नाचना शुरू कर दिया। महाप्रभु ने बोले वो नाचता क्यों है, क्या हो गया उसका, दिमाग खराब हो गया क्या? बोले ना प्रभु, आपने जो बोला है ना 1 करोड़ जन्मों के बाद आप कृपा करोगे, तो इसी आनंद से झूम रहा है, नाच रहा है। अच्छा, इतना विश्वास है, 1 करोड़ जन्मों कोई मामूली बात नहीं है, 1 करोड़ जन्मों बाद कृपा करेंगे ऐसा बोला, तो उसका इतना विश्वास है, चलो उसको अभी कृपा कर दे, ले आ उसको ले आया। महापुरु ने हंसी मजाक में बोला इसका करोड़ों जन्म अभी 1 सेकंड में बीत गया, इसका करोड़ जन्म जो है, जन्म लेना था
इसका जो करोड़ जन्म जन्म लेना था ये अभी मिट गया, खत्म हो गया। भगवान के लिए हर हालत में सब संभव है। श्रील तीर्थ महाराज जी भी कहते थे, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो समर्थ स्व ईश्वर। श्रील भक्ति तो माधव गोस्वामी महाराज भी कहते थे, बांग्लादेश में प्रचार में गया था कोई मुस्लिम मौलवी के सामने, मौलवी साहेब आप क्या सोचते हो भगवान ये कर सके, ये नहीं कर सकेगा, ये कैसे करेगा, ये कर सकेगा। मौलवी साहेब आपका भगवान कैसा है, आपका अल्लाह ऐसा निकम्मा है क्या? भगवान है तो कुछ भी कर सकता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो समर्थ से ईश्वर, ये आपका विश्वास नहीं हुई। जे रासलीला भाई, ये जो रासलीला भाई ना, ये ब्रह्मरात्रि, ब्रह्मरात्रि का कैलकुलेशन करने बैठो तो आप पागल बन जाओगे। ब्रह्मरात्रि माने ब्रह्मा का रात और ब्रह्मा का दिन, ये हिसाब करने जाओ तो पागल बन जाओ, पागल हो जाओगे, ऐसा भाव है। ये रासलीला भाई ब्रह्मरात्रि व्यापी, ब्रह्मरात्रि व्यापी, पूरा एक ब्रह्मरात्रि का ड्यूरेशन जो है तब तक रासलीला भाई, इनकॉन्सिवाइबल, सोच भी नहीं सकता, कैसे सोचे, पागल हो जाएंगे। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन लिमिटेशन का अंदर काम करता है एंड इट इज इनकॉन्सिवाइबल। ह्यूमन ब्रेन कैन नॉट कंप्रिहेंड दिस पॉइंट। तो ये जो बात है, इसमें कुछ भी कर सकता भगवान, कैसे कर दिया, ऐसा क्वेश्चन ठीक नहीं है। भगवान है तो कर दिया, कुछ भी कर सकता है, इसमें डाउट होना कोई उचित नहीं है। गुरु का काम हर आदमी नहीं कर सकता, बता दिया प्रभुपाद बार बार। गुरु शुड बी पिज्यूडो गुरु, पिज्यूडो गुरु मतलब कृत्रिम, जो आर्टिफिशियल गुरु है प्रभुपाद कह रहे हैं इसको फेंकना चाहिए। एन इनसिंसियर हिपोक्रेट कैन नॉट एक्ट एज गुरु। जिसका जीवन जिंदगी में मंडेन एक्टिविटी रहा, गुरु का भी काम कर रहा है, पैसा भी गिन रहा है, अपना झोला में कैसा कितना पैसा हुआ वो भी गिन रहा है, और फिर गुरु का भी काम कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं जिसका जिंदगी में मंडेन एक्टिविटी जो है, मेटेरियल एक्टिविटीज हैं भरपूर, जिसका जीवन जिंदगी में मेटेरियल एस्पिरेशन आशा आकांक्षा, जिसका जीवन जिंदगी में मेटेरियल एस्पिरेशन आशा आकांक्षा मौजूद है जिसका दिल में, ये कभी गुरु का काम नहीं कर सकता। पिज्यूडो गुरु शुड बी टर्न आउट एंड एक्सपोज्ड। आप लोग गुस्सा हो जाते हो, प्रभुपाद बोले जो कृत्रिम ठगी चीटिंगबाज गुरु जो है, जो धोखेबाजी कर रहा है मक्कार, इनको छोड़ देना चाहिए तुरंत। प्रभुपाद जी ने बताए ये गुरु का काम कर रहा है लेकिन इसको फेंकना चाहिए। एंड इसका जो कैरेक्टर है इसको प्रकाशित कर देना चाहिए ताकि दुनिया का आदमी उसका पीछे जाए और मरे, इससे बचा लेना चाहिए। ये ठगी गुरु से दुनिया को बचाना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बताया इसका नाम क्रिटिसिज्म नहीं है। आदमी सोचते हैं कि महाराज ये तो क्रिटिसिज्म हो गया, चर्चा चुकली हो गया, नहीं, ये चुकली नहीं है। आदमियों को बचाने के लिए इसका कैरेक्टर, इसका आचरण, इसका धोखेबाजी जो है, इट शुड बी एक्सपोज्ड। आदमी को बताना चाहिए धोखेबाज है वह मत जाओ,
इसका नाम चुकलीबाजी नहीं है, इसका नाम निंदा नहीं है। निंदा उसी को बोला जाता है जब प्योर शुद्ध वैष्णव का बारे में खमाखा हम उल्टा बोल दिया, जो कब किया ही नहीं कुछ, इसको निंदा बोलता है। जैसे शंकर भगवान को निंदा किया दक्ष प्रजापति, हमने उदाहरण भी दे दिया। जैसे दक्ष प्रजापति खमाखा परमंश शंकर भगवान को निंदा किया, इसका नाम है निंदा। परम सत्य वस्तु का प्रचार के लिए जो धोखेबाज सामने हैं, ये लोगों का जो कैरेक्टर है, बिहेवियर है, इसको एक्सपोज करना, ये कोई अपराध नहीं है, ये कोई निंदा नहीं है, ये उचित है। प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान का सामने जो शरणागत होने के लिए जो आ रहा है और जो गुरु का चरण में आश्रय लेने के लिए आ रहा है, बीच में से ये सब कामिनी कांचन प्रतिष्ठा जो भगवान का सेवा के लिए आ रहा है, इसको बीच में से, बीच रास्ते में से अपना सेवा में घुमा देना, इन सभी चीज़ों को जो भगवान का सेवा के लिए आ रहा है, कनक कामिनी प्रतिष्ठा आदि, इसको इस तमाम चीज़ों को बीच रास्ते में अपना लिए घुमा देना, ये संपूर्ण रूप में निषिद्ध है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, सख्त माना है, सख्त माना। वो बात कह रहे हैं ऐसा माफिक चिटिंगबाज, धोखेबाज, मक्कार जो गुरु है, हो सके कि बना के किया उसको, अरे बना के किया ठीक है, काल भी चर्चा किया, जो गुरु इलेक्शन और सिलेक्शन के द्वारा निर्णय नहीं हो पाता, गुरु सब प्रकाश वस्तु है जिसका आचरण, आदर्शो आइडियलिज्म जो कुछ भी है, आचरण ये सब देखने का बाद पता चलेगा महाराज ये महान भक्त है, इसका आचरण देख में, इसका आचरण देख के मेरा जिंदगी में परिवर्तन आया है, ये सद्गुरु है। वो बात कह रहे हैं कोई धोखेबाज, मक्कार, चीटर, कपट गुरु का काम कर रहा है, बड़ा दिखने में खासा है, हैं लंबा चौड़ा है, कुछ भी है, ये सब गुरु का बात सुनना नहीं है। प्रभुपाद निषेध करिए, असत गुरु का, असत कभी गुरु नहीं हो सकता, असत लोगों का बात सुनना नहीं चाहिए, सुनोगे तो उसका लिए रिएक्शन हो सकता, इसका लिए बड़ा भारी पेमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। विषय विग्रह भगवान का सेवा का जो मामला है, जहाँ तक विषय विग्रह भगवान श्री कृष्ण का सेवा का मामला है, और जो सारे तमाम चीज़ें आ रहा है, ये जो बीच रास्ते में जो अपना लिए घुमा देता है, आत्मसात करता है, खा लेता है, घुमा देता है, पैसा, इज्जत, सब कुछ, ये गुरु होने का लायक नहीं है। ये गुरु भी बन भी गया उसको फेंको, ये गुरु बाई चांस बन भी गया, बना दिया, उसको फेंकना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद अक्सर अपना हरिकथा में, ये बात बोलते थे। प्रभुपाद अक्सर अपना हरिकथा में नारदीय पुराण का ये प्रवचन कहते थे, ये प्रवचन मैंने श्लोक ये बोलते थे प्रभुपाद। क्या बोलते थे? अक्सर बोलते थे प्रभुपाद, बजे यहाँ जसो हरेर्दास्ये कर्मणा मनुषा गिरा निखिलाशु ओपी अवस्थासु जीवन मुक्त शौचते। प्रभुपाद जी अक्सर ये श्लोक बोलते थे, इहां जसो हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा
निखिलासु ओपि अवस्थासु जीवन मुक्तो समुच्यते इहा जशो हरेर दाशे कर्मणा मनुषा गिरा निखिलासु ओपि अवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। प्रभुपाद कह रहे हैं इसी को जीवन मुक्त बोला जाता है, जो पल भर में हर पल पल में भगवान का सेवा लिए, इसका काय मन बाक्षो यहाँ जसो हरे दास्य हरि का दास्यो में हरि का सेवा में अपना तन मन धन काय मन वाक्षो देकर निखिलाशु ओपी अवस्थासु किसी भी हालत में चाहे ये बड़ा खतरनाक परिस्थिति पैदा हो या निखिलाशु ओपी अवस्थासु एट एनी कॉस्ट एट एनी मोमेंट एट एनी सिचुएशन एनी टाइम जो भगवान का सेवा के लिए हर वक्त व्यस्त है, जो हर वक्त भगवान का सेवा के लिए हर वक्त व्यस्त है वो ही जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त ये नहीं कि महाराज बड़ा सुंदर लेक्चर देना जानता है, पैसा कमाना जानता है, बहुत मीठा बातें बोलना जानता है, लेकिन अंतर में भक्ति बोलकर कुछ चीज है ही नहीं। गुरु का आसन को, गुरु का सिंहासन को लूटने के लिए गुरु का प्रतिष्ठा, गुरु का इज्जत, गुरु का सम्मान, गुरु का प्रतिष्ठा सारे लूटने के लिए ये जो धोखेबाज है ये हर वक्त व्यस्त है। हरि सेवा भगवत सेवा छोड़कर ये सोशल सर्विस में व्यस्त है, ना जाने क्या क्या कर रहा है। अरे हम समझ में नहीं आता क्या कर रहा है ये, भले ये सोशल सर्विस कर रहा है। अच्छा सोशल सर्विस तो माना है, हैं भगवत सेवा छोड़कर सोशल सर्विस का लिए जो व्यस्त है ये तो नास्तिक है, ये तो मायावादी है, इसका संग नहीं करना है। महाराज कितना अच्छा काम करता है देखो, ये सेवा तो करता है, अरे कम से कम तो सेवा तो करता है, चलो कोई। अरे सेवा जानता ही नहीं किसको सेवा बोल, बोलते सेवा तो करता है महाराज कम से कम, अरे का सेवा है। सेवा तत्व को समझो पहले, सेवा तत्व, सेवा किसको कहा जाए, सेवा तत्व क्या है, सेवक तत्व क्या है, सेव्य तत्व क्या है, ये समझने का कोशिश करो, नहीं तो पागलपंती हो जाएगा भजन का नाम पे पागलपंती। प्रभुपाद कह रहे हैं भगवत सेवा के नाम पे वो सोशल सर्विस कर रहा है, ये तो नास्तिक है, ये मायावादी है, ये सोशल सर्विस में आस्था रखने वाले, इसका संग करना उचित नहीं। ऐसा मापिक कोई अगर आदमी मिले, अगर आप सोचो कि बड़ा अच्छा खासा आदमी है महाराज, कितना समाज का सेवा कर रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं ये व्यक्ति ना तो अपना मंगल कर सकता है ना तो औरों का मंगल। प्रभुपाद कह रहे हैं ये व्यक्ति ना तो अपना मंगल कर सकता है ना तो औरों का मंगल कर सकता है, संभव नहीं। प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा सोशल सर्विस करते करते ये माया का सागर में गिरेगा जरूर। ऐसा मापिक सोशल सर्विस करते 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 माया का सागर में गिरेगा। वो बात कह रहे हैं जो लोग भगवान को चीटिंग करने के लिए, वो बात कह रहे हैं जो लोग भगवान को ठगने के लिए, जो लोग प्रभुपाद कह रहे हैं जो लोग भगवान को चीट करने के लिए माला जप ये साला एक श्लोक है, लेकिन इसका उल्टा व्याख्या करते हैं, आगे पीछे का लाइन बोलता नहीं। प्रभुपाद कह रहे हैं ये बदमाश है,
ये माला जपे साला तुलसीदास जी बोला, इसका आगे पीछे का लाइन देखो क्या बोला, ये उल्टा व्याख्या करता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, इधर इधर प्रभुपाद कह रहे हैं, जो लोग भगवान को ठगने के लिए, चीत करने के लिए माला जप करने का बहाना करता है, बड़ा हल्ला गुल्ला करता है, भजन कर रहा हूँ, भजन में सब कोई का भजन में सुविधा कर रहा हूँ, ऐसा है अगर कोई सेचे, लेकिन हर शब्दों में जो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं हरि कथा का नाम पे कीर्तन, कुछ नहीं है। माइक को फुल स्पीड कर दिया, डुम डाम करके जैसे कान फाट रहा है, कीर्तन चला दिया। भगवान थोड़ी सुन रहा है सब कीर्तन है, सब रसाभास सिद्धांत विरोध। भगवान कह रहे हैं जो माला जप का बहाना कर रहा है, भगवान को चीट कर रहे हैं, और दिखावा एक दिखावा है, बड़ा हल्ला गुल्ला चिल्ला चिल्ली हो रहा है, हम भगवान का भजन कर रहे हैं, और ऐसा आदमियों का लिए मंगल बोलकर कोई चीज़ है नहीं। प्रत्येक शब्दों के द्वारा जो कीर्तन करोगे, जो हरिकथा करोगे, हरिकथा सुनोगे या बोलोगे, हर शब्दों के द्वारा भोपात कर रहे हैं, हर शब्दों के द्वारा भोपात कह रहे हैं, अगर भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, हर प्रोनाउंसिएशन, हर शब्द उच्चारण में, हर शब्द सुनने में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, हर शब्द उच्चारण करने जाओ गौर सुंदर का अगर दर्शन ना हो तो ये तो हरि कथा नहीं है, ये बिल्कुल हरि कथा नहीं है, ये लोगों का संग नहीं करना चाहिए। सर्व पांडित्यों का शेष सीमा है कृष्ण संबंध। पोपात बोला, पोपा जी ने लिखा है, पोपा जी ने बोला है, पोपा जी ने बोला है, जो तमाम पंडित्व ये दिखा रहा है कि मैं कितना बड़ा पंडित हूँ। पोपात कह रहे हैं ये तमाम पंडित्व, तमाम प्रोफेशनसी, तमाम ये जो पंडित्व है, तमाम पंडितों का मूल जो रूट कॉज है ये संबंध है। प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं बाजार का आदमी, प्रभुपाद कह रहे हैं बाजार का आदमी अपने को पंडित कहलाता है, लेकिन तमाम पंडितों, तमाम प्रोफेशनसी, इसका एक्सट्रीम लिमिट कहाँ है, बोले कृष्ण संबंधों में। तमाम पंडितों, तमाम प्रोफेशनसी, तमाम बुद्धिमानी, इसका एक्सट्रीम लिमिट जो है, इसका अंतिम सीमा जो है, ये कृष्ण संबंध ज्ञान। कृष्ण का साथ संबंध नहीं हुआ, नहीं हुई गुरु का साथ, तब तो ये बेकार की चीजें हैं, कुछ नहीं हो सकता। यदि अगर साधु संग में रहकर, यदि अगर साधु संग में रहकर गुरुवानुगत्व में हम लोगों का भगवत सेवा करने का चित्त वृत्ति पैदा होता है हृदय में, तो भगवान का सेवा का उपकरण आइटम तमाम जगत को, अगर ऐसा बुद्धि हुआ जे साधु संग में, अगर ऐसा विचार हुआ कि साधु संग में रह के हम गुरु अनुगत्य के द्वारा भगवत सेवा करने का अगर विचार हृदय में आया, तो तमाम दुनिया में जो दृश्यमान वस्तु है, व्यक्ति है, तमाम भगवान का सेवा का आइटम है, ये भगवान का सेवा का वस्तु है, ऐसा विचार आएगा। जगत का जितना सारे वस्तु दिखाई पड़ता है, हमारा पास आ रहा है, जो कुछ भी है, ये अगर भगवत सेवा, गुरु सेवा का वस्तु है, ऐसा अगर विचार हृदय में पैदा हो जाए, तो इसी को बोलता है मंगल का रास्ता, ये मंगल होगा ही इसका। सर्वत्र हर जगह कोने कोने में
पल पल में अगर भगवत दर्शन गुरु दर्शन भगवत दर्शन हुआ मतलब गुरु दर्शन हुआ भगवत संबंध में भगवत संबंध के द्वारा प्रेरित होकर भगवत संबंध के द्वारा प्रेरित होकर तमाम दुनिया का वस्तु को दर्शन करना व्यक्ति को दर्शन करना सर्वत्र हर जगह हर कोने कोने में जिसका गुरु दर्शन है उसका तो त्रिनाद भी भाव जरूर है। जिसका हर पल पल में हर वस्तु में गुरु दर्शन होता है उसका त्रिनाद भी तो जरूर है। आप अगर चीको चिल्लो बोलो गुरु ये तमीज नहीं जानता ऐसे कैसे बोलता है सब, लेकिन इसका अंदर में त्रिनाद भी सुनिज भाव जरूर है। जिनी जो व्यक्ति त्रिनाद भी सुनिज और वृक्षों से भी तरोर नय तरोरोपी वृक्षों से भी सहिष्णु होके अमानी मानद होकर जितना सम्मान आ रहा है दूसरे को दे दो गुरु वैष्णव को दे दो अमानी मानद होकर जो हरि कीर्तन कोई अगर करता है तो ये तन्मय होकर ये कीर्तन कर रहा है जिसका त्रिनाद विभाव है और सहिष्णु है जिसका सहनशीलता है अमानी इज्जत कोई मान सम्मान नहीं चाहता है। हईल्यो सर्वगुणे गुणी महाशय प्रतिष्ठा सा तैजी करो अमानी हृदय हर वक़्त हरि कीर्तन हरि कथा में जो तन्मय है यही रूप ऐसा मापी कृष्ण प्रेष्ठो ऐसा मापी कृष्ण प्रेष्ठो ऐसा मापी कोई कृष्ण प्रेष्ठो महापुरुष का संगो और सेवा हमारा जिंदगी में 100% मंगल लाएगा। महाभाग्यों के दर अहो भाग्यों से ऐसा मापिक सद्गुरु का दर्शन होता है। अहो भाग्यों से ऐसा मापिक सद्गुरु का दर्शन होता है। माया का कोई गुलाम है माया का गुलामी किया जिंदगी भर माया का गुलामी किया जिंदगी भर ऐसा मापी कोई आदमी को गुरु का आसन में बैठा दो उचित नहीं है। माया का गुलामी किया जिंदगी भर इसको गुरु बना दिया ये उचित नहीं। ऐसा आचरण अगर करे तो कभी भी अनंत काल गौरंग महाप्रभु के चरण में पहुंच नहीं पाएंगे। यद्यपि बाहरी दृष्टि में चैतन्य महाप्रभु का प्रकट लीला अभी नहीं है देख नहीं रहा है, लेकिन निष्कपट सद्गुरु वैष्णव का जो अनुगत करे निष्कपट रूप से गुरु वैष्णव भगवान का चित्त वृत्ति जो डिजायर है इच्छा है इसका साथ एकदम हार्मोनाइज हो गया ऐसा अगर हो जाए तो यही चरम मंगल का रास्ता खोल देगा। औद्यापियों सही लीला करे गौर राय कोनो कोनो भाग्यवान देखी भरे पाए गौर लीला नित्य है ऐसा नहीं कि अब हो गया अब कब होगा कोई ठीक नहीं ऐसा नहीं है। गौर लीला नित्य है। अगर आज भी प्रभुपाद जैसा भक्ति विनोद ठाकुर जैसा ये सब महापुरुष का अनुगत करे आज भी हर हालत में भगवत दर्शन धाम का नित्य सेवा का प्राप्ति हर हालत में हो सकता है ऐसा नहीं कि होगा। याद है जो श्लोक दे के शुरू किया था काल भी इसका चर्चा हुआ ये इतना इम्पॉर्टेंट श्लोक है जिसको चर्चा करना बहुत जरूरी है चर्चा हो चुका फिर भी करें। यहाँ बार बार ये बात क्यों कर रहे हैं पूरा संप्रदाय को बचाने के लिए। मेरा कोई अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है सिर्फ पूरा खानदान को हमारा सारस्वत गौरियो खानदान को संप्रदाय को बचाने के लिए
ये श्लोक का चर्चा होना जरूरी है। आम आदमी इतना भूखा है, ये सब विषय चिंता करने का इसका पास कोई टाइम नहीं होते। एवं प्रकृति वैचित्रात भिद्दन्ते मतयोनिनाम परम परजेन के संचित प्रसन्न मतयो अपरे। काल बोला पूरा संप्रदाय का जो डिग्निटी है, पूरा संप्रदाय को जो यूटिलिटी है, अरे संप्रदाय के क्या दरकार है? बोला हाँ, दरकार इसलिए है गौरांग महाप्रभु का जो टीचिंग्स है, गौरांग महाप्रभु का जो शिक्षा है, आचार आदर्श है, अगर परंपरा का इंटैक्ट वास्तव संयोग ना हो जाए, परंपरा का जो फ्लो है ये अगर सही ढंग से हमारा सामने ना आ पहुँचे तो हर हालत में मेरे को धोखा खाना पड़ेगा, हर हालत में मेरे को धोखा खाना पड़ेगा, ये याद करके रखना। इसीलिए परंपरा का यूटिलिटी इसलिए है कि आज से 500 साढ़े 500 साल पहले जो कुछ भी हुआ, चैतन्य महाप्रभु का भक्तों का आचरण, चैतन्य महाप्रभु का आचरण ये परंपरा का अनुसार विदाउट एनी डिफॉर्मेशन, कोई विकार विकृत भाव हुआ नहीं, इंटैक्ट हमारा वर्तमान जो सारस्वत गौरी परंपरा का जो वर्तमान जो अवस्था है इसमें कोई दोष नहीं स्पर्श हो सकता, क्योंकि परंपरा अगर ठीक है, परंपरा का शिक्षा परंपरा का आदर्श अगर सही ढंग से चल रहा है तो परंपरा का कोई नुकसान हो नहीं सकता, नहीं तो परंपरा खत्म हो जाएगा, ये बड़ा मुश्किल की बात है। एवं प्रकृति वैचित्रात भिद्यते मतयो निनाम परम परजेन की संचित प्रसन्न मतय अपरे। ये दुनिया जो है तारों चारों ओर जो दुनाई तार चारों ओर जो दुनिया दिखाई पड़ता है ये तमाम नाशवान वस्तु है, ये नित्य काल रहने वाला नहीं है। ये जो चारों ओर जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, बा कुछ अमानती पैसा है, बैंक में रखा हुआ जेवरात है, कुछ भी है, मैं कह रहा हूँ कोई भी चीज़ है, मकान वारी बीवी बच्चा कुछ भी है, मैं कोई ये नहीं बोल रहा ये है ये नहीं है ऐसा नहीं, कुछ भी दुनिया में दिखाई पड़ रहा है जो कुछ भी है सब माया का आइटम है। एक गुरु वैष्णव भगवान मंदिर भगवान का विग्रह ये सब छोड़कर बाकी दुनिया में जो भी कुछ चीज़ दिखाई पड़ रहा है, आद्यंतो बंतो एवैषाम लोकहा कर्म विनिर्मिता दुखो दरकास्तमो निष्ठा खुद्रा मंदा सुचार्पिता। हे उद्भव, इस समाज संसार में कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, समस्त लोगों का जो कर्म कर रहा है, कोई बना रहा है, कुछ कर रहा है, कनो कर्म विनिर्मित हो कर्मों के द्वारा आधारित है ये सब लोक, ये जो दुनिया का लोक, अर्थात इसका माने हैं गतिस्थान आदि ओ अंतविशिष्ट हो, मतलब आज है कल नहीं रहेगा, मतलब ये देखने में खासा है, देखने में अच्छा है, मारा अच्छा है, अच्छा तो है ही है, लेकिन ये रहेगा कहाँ तक? काल भी बताया था साधु, एक पक्का साधु का मतलब है, एक काल भी बताया था पक्का साधु किसको बोला जाता है, बहुत सारे बातें बोलने का टाइम नहीं है, सिर्फ एक लाइन में बोलो, सिर्फ एक लाइन में बोलो जो पक्का साधु कौन है, एक एक करके हम बताएं, बहुत सारे चर्चा होना जरूरी है, फिर भी एक लाइन में उत्तर दे दें, पक्का साधु किसको बोला जाता है? जो महाराज जगत को देखता है अनित्य है, जो परिणाम दर्शन करता है, जो महात्मा परिणाम दर्शन करने वाले हैं, जो महात्मा इस जगत का जो कुछ भी है इसका परिणाम हर वक्त देख सकता है, देख पाता है, इसका नाम साधु है।
साधु का नाम है परिणामदर्शी, द फार रिचिंग कंसिक्वेंट। आज आज तो आनंद है, सुंदरी बीवी है, बच्चा है, सब कुछ है, समाज संसार, लेकिन काल क्या होगा, काल क्या होगा, तेरा तकदीर में काल क्या लिखा हुआ है। भक्तिवेन ठाकुर इसलिए कीर्तन में लिखा हुआ है, इसीलिए भक्तिवेन ठाकुर कीर्तन में लिखा हुआ है, किशेर संसारे छायाबाजी प्राय इहाते ममता कोरी बिथा दिन जाए। भक्तिवेन ठाकुर जी ने कीर्तन में लिखा है, किशेर संसार कहाँ का संसार है, कहाँ से संसार आया, किसका संसार है, किशेर संसारे छायाबाजी का, इट इज जस्ट लाइक ए मैजिक स्पेल, जादू जादू टोना, जस्ट लाइक ए मैजिक स्पेल, जादू टोना जैसा है, किशेर संसारे छायाबाजी प्राय यहाँ ते ममता करी, यहाँ ते अट्रैक्शन करके ममता, यहाँ ते माया ममता लगाकर मर रहे हैं, मर रहे हैं, किशेर संसारे छायाबाजी प्राय यहाँ ते ममता करी बिथा दिन जाए। मेरा जो अमूल्य समय है, इस समय बीत रहा है, मेरा जो अमूल्य समय है, ये मेरा अमूल्य समय मैं गंवा रहा हूँ, मेरा अमूल्य समय जा रहा है। अगर ऐसा पूछा जाए व्हाट इज द मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ हर लाइफ, अगर ये क्वेश्चन किया जाए व्हाट इज द मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ आवर लाइफ, हमारा जीवन जिंदगी का जो मैथमेटिक्स है क्या है, हमारा ये जीवन जिंदगी है इसका जो अंक है, मैथमेटिक्स है, ये क्या है, कहने वाला कोई है, हमारा जीवन जिंदगी का मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, कोई उत्तर दे सके, नहीं। हाँ उत्तर तो है ही है, उत्तर क्या है महाराज, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नाम, ये सुना है, और इसका साथ ये समझ लो, आई एम गोइंग टू लिव फॉर सम ईयर, फॉर सम मंथ, फॉर सम वीक, फॉर सम फॉर्टनाइट, फॉर सम वीक, फॉर सम डेज, फॉर सम आवर, फॉर सम सेकेंड एंड फॉर सम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, इसी को बोला जाता है मेरा जीवन जिंदगी का हिसाब किताब, इसी को बोला जाता है सच पूछो तो इसी को बोला जाता है हमारा जीवन जिंदगी का हिसाब किताब। वी लिव फॉर सम ईयर, कुछ साल के लिए, कुछ महीना के लिए, कुछ हफ्ता के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ घंटा के लिए, कुछ सेकंड के लिए, मिनट के लिए, कुछ सेकंड, यही तो है। जब पैदा हुए 1960 साल में, किस समय में, रात को 10 बजे साढ़े 10 बजे 1960 साल हैं, कोई मार्च महीने अप्रैल महीना में कोई भी दिन हो, अगर हिसाब किताब किया जाए, जब मौत आने वाला है, यूं समझो कि मौत आने वाला है 62 साल में, अभी 62 साल खत्म होने वाला है, अब हिसाब करके देख लो, ये जब से पैदा हुआ और ये 62 साल तक जिया है, कितना साल जिया है, कितना मास जिया है, कितना हैं हफ्ता जिया है, ये मैथमेटिक्स इंटरप्रिटेशन है। फिर भी हमारा पागलपंती खत्म नहीं हो रहा, ये जानने का बावजूद हमारा पागलपंती खत्म नहीं हुआ। आद्यांत बंत ए वैशा लोकः कर्म विनिर्मितः दुक्षोदरकास्तमो निष्ठा खुद्रा मंदो सुचार्पिता। आद्यंत बंतु है, दुनिया में आनंद नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा, मैं कभी ऐसा नहीं बोला
दुनिया में आनंद नहीं है, आनंद है लेकिन अनित्व आनंद है, माया का आनंद है। दुनिया में आनंद नहीं है ऐसा कभी नहीं बोला मैं। जदाग्रे अमृत प्रमम परिणाम विषमी हो, पहले अमृत जैसा लगता है परिणाम भयावह, बड़ा डेंजरस है, भयावह है। तो आद्यंत बंतो, ये आनंद का आदि है, ये आनंद का अंत भी है, ये नित्य रहने वाला नहीं है। लोकहा कर्म विनिर्मिता, जगत में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ेगा, सब लोकहा कर्म विनिर्मिता, कर्मों के द्वारा ये दिखाई पड़ता है, कर्मों का रिजल्ट है। और ये दुख का सागर में डालने वाले, दुखो दरका स्तमो निष्ठा, ये दुख की सागर में डालने वाले हैं, और इसमें तमो गुण में निष्ठा पैदा कराने वाले, ये इतना छोटा मोटा चीज है, इतना क्षुद्र वस्तु है ये इसका लिए शोक मोह पैदा कर देगा, इसका लिए शोक मोह आ जाए। सुचार पिता तो ये जो अंतिम में ये अनित्य है, ये जगत का जो वस्तु अनित्य है, और अंतिम में दुखों का सागर में डालने वाला है, तमोनिष्ठ है, क्षुद्र है, इतना छोटा मोटा चीज है, मामूली चीज है, जिसका साथ भगवान का कोई ताल्लुकात है नहीं डायरेक्ट। ये जड़ोमय है, मैटर है, और शोकों के द्वारा आपको ढाकने वाले हैं, मोहित करने वाले हैं। आद्यंतोबंत एवैषाम लोकः कर्म विनिर्मितः दुःखोदर का तमो निष्ठा क्षुद्रा मंद सुचार्पिता। उद्धव गुरु छोड़कर, काल चर्चा करेंगे बाकी, गुरु छोड़कर ज्ञान देने वाला कोई नहीं है, गुरु छोड़कर कुछ नहीं है। तमाम जगत में जहां कुछ भी देखो कुछ भी सोचो, कुछ भी भाव, सब गुरुमय है। तमाम दुनिया में जहां भी देखो नजर डालो, तमाम दुनिया में जहां भी नजर डालो कुछ भी देखो, अगर चारों ओर में गुरु दर्शन नहीं हुआ तो लघु दर्शन जरूर है, ये दुखों के सागर में डालने वाला है। चारों ओर में देखना, गुरु छोड़कर कुछ नहीं है, गुरु छोड़कर कुछ है ही नहीं, चारों ओर गुरु 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 है। क्षुद्र चीज का क्या यूटिलिटी है, ये जो अनित्य संसार है इसका क्या यूटिलिटी क्या है, सबसे बड़ा ये प्रश्न है। जदुराज जी महाराज भगवान कह रहे हैं, मेरा जदुवंश में पहले ये जदुराज बोल के एक महात्मा थे, जदु महाराज जी एक दफे एक परमहंसो सन्यासी का साथ मुलाकात हुआ, जिसका और इसका उम्र ज़्यादा नहीं है, छोटी सी उम्र में सन्यास ले ली, और इसको प्रश्न किया था, काल इसका चर्चा हुआ, ये महाराज आप किस लिए इतना आनंद हो, आपका आनंद कहाँ से आ रहा है, बाहरी दृष्टि में आपका आनंद का कोई रास्ता नहीं है, बाहरी दृष्टि में देखा जाए तो महाराज आपका आनंद का कोई रास्ता ही नहीं खुला है, ये आपको देखने से, आपका सकल देखने से पता चलता है कि ये आनंद से डूबे हुए हो, लेकिन ये आनंद आया कहाँ से।
गुरु बिना भवनिधि तरई न कोई राम कृपा बिन सुलभ न हो। बिनु गुरु भवनिधि तरई न कोई राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और शास्त्रों में लिखा हुआ है अकिन मानो याकिन याकिन मानो, शास्त्र में लिखा हुआ है कि गुरु अगर एक शब्दों भी बोल दिया, शास्त्रों में ये प्रमाण है, अगर गुरु एक शब्दों बताया, अगर गुरु गुरुजी एक शब्दों बताया, एक शब्दों बताया, ये एक शब्दों के द्वारा, ये एक शब्दों गुरुजी ने बताया और एक शब्दों जब मेरा अनुभव में आया तो सारे संसार छूट गया, भगवत चरण में मेरा लगन लग गया। शास्त्र में लिखा हुआ है सद्गुरुदेव, शास्त्रों में लिखा हुआ है सद्गुरुदेव अगर एक भी शब्दों बताए शिष्यों का हित के लिए, मंगल के लिए, शास्त्रों में लिखा हुआ है सद्गुरु अगर तमाम जिंदगी में हमको एक शब्द बताया और इसके द्वारा मेरा अनुभव आया कि मैं भगवान का दास हूँ, तमाम समस्या समाप्त। सद्गुरु शास्त्रों में लिखा हुआ है, सद्गुरु जो एक एक प्रवचन बोलते हैं, एक शब्द बोलते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है सद्गुरु एकमात्र एक शब्द बताया मेरे को, इसके द्वारा मेरा सारे अज्ञान आदि खो गया, सारे खत्म हो गया। शास्त्रों में लिखा हुआ है अगर गुरु एक शब्द को उपदेश करे, शिष्यों का बाप का हिम्मत नहीं है, शिष्यों का हिम्मत नहीं है, किसी का हिम्मत नहीं है, जो पूरा पृथ्वी को बिक्री करके ऋण को चुकाए। आई बात समझ में? बड़ा सस्ता गुरु दर्शन, आप लोगों का विचार जो है गुरु दर्शन इतना सस्ता है आप समझते नहीं हो। ये पक्का बात है, शास्त्रों का लिखा हुआ है ये, अगर कोई एक शब्दों गुरु ने शिष्यों को बताए, ये जो एक शब्दों बताया इसके द्वारा हमारा जीवन जिंदगी का जो मक्स पूरा जो विचार है बदल गया, चरम मंगल कर दिया गुरु जी का एक शब्द। शास्त्र में लिखा हुआ है जो महात्मा गुरु एक शब्दों शिष्यों को बताते हैं, उपदेश करते हैं, एक शिष्यों को एक शब्द बताया, ये शब्दों के द्वारा उन्होंने जो मेरा मंगल किया है, गुरुदेव का ऋण चुकाने के लिए अगर तमाम पृथ्वी को बिक्री करे फिर भी और ऋणी हो नहीं सकता। अगर पृथ्वी को ध्यान दे इस बात को, अगर पूरा पृथ्वी को बिक्री कर दो, बिक्री करने के बाद भी आप गुरु जी का ऋण चुका नहीं सकोगे, अब समझोगे गुरु तत्व क्या है। अवधूत सन्यासी ने किसी का साथ बात अवधूत सन्यासी कभी किसी का साथ बात नहीं करता, लेकिन आज जदु महाराज बड़ा भक्त है, जदु महाराज वैष्णव हैं, महाभक्त हैं, इसलिए जदु महाराज जी ने जब पूछा तो ये अवधूत सन्यासी ने उत्तर दिया। इस सिलसिले में एक सिद्धांत विचार प्रस्तुत करना जरूरी है। वो क्या है? मैं नारायण महाराज जी सुना है, हमारा चैतन्य गौरियामठ के जो नारायण महाराज जी थे, चैतन्य गौरियामठ का मायापुर का ब्रांच, नारायण महाराज जी ने बताया जे एक दफे तीर्थ महाराज जी उस समय आचार्य जो हुआ कि नहीं मैं भूल गया, याद नहीं है, भले उस समय महाराज जी गोवर्धन में पर्वत बाबा का मठ में गया किसी खबर देने के लिए। ये कहानी ये बनावटी नहीं है, ये पक्का है, मैं कई भक्तों से सुना,
महाराज जी उधर पहुंचे किसी खबर दे वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज देने के लिए, और जाके देखा मठ में कोई नहीं है, पुजारी कहाँ गया, कौन कहाँ गया, कौन जाने, पर्वत बाबा भी नहीं है, शायद परिक्रमा में निकल गया, कहाँ गया कौन जाने। लेकिन एक एक भक्त है, ये अपना पुरस्चरण कर रहा है, क्या कर रहा है वही जाने, हम नहीं जानते, हम तो ये उच्चारण भी नहीं करना चाहता, ये जब कर रहे हैं क्या प्रायश्चित क्या कर रहा है कौन जाने, माला फेर रहे हैं। उन्होंने देखा तीर्थ महाराज जी आए, उन्होंने जवाब नहीं दिए, उठा नहीं, सामने गया नहीं, और महाराज जी जब उसको देखा है तो उसका साथ बात करना चाहा, ये ऐसा ऐसा स्थिति है, मैं ये खबर लेकर आया हूँ। वो जवाब नहीं दिया, वो बोला ही नहीं, पर्वत बाबा कहाँ गया, पुजारी का कुछ नहीं बोला। महाराज जी चुपचाप होके वापस आया और इसका सत्यानाश हो गया। जिन्होंने व्रत करने के लिए बैठा था, जिन्होंने व्रत करने के लिए बैठा था, महाराज जी का साथ बात नहीं किया, वो सोचे कि मेरा मौन व्रत तो खत्म हो जाएगी, ये पागल छागल है, ये जानता नहीं इतना बड़ा महाभागवत वैष्णव आया है, अरे तेरा व्रत को रख दे, अभी बातें करना जरूरी है जब वैष्णव मिले। मैं भी ऐसा करता था, गोवर्धन परिक्रमा करते करते बाय चांस कोई ज्येष्ठ वैष्णव का साथ देखा, भेंट हो गया तो जवान खुलते थे। मेरा नियम नहीं था परिक्रमा के समय बातें करना, कोई भी बातें नहीं, चुपचाप माला लो परिक्रमा। अगर बाय चांस कोई सीनियर वैष्णव पहुंचा हुआ संत का साथ मेरा भेंट हो गया, तुरंत दंड माला को जेब में डालो, बैग में डालो, दंडवत करो और थोड़ा बातें कर लो, इसी का नाम भक्ति है। मैंने सीखा है इसी का नाम भक्ति है, इसी में व्रत जो है टूटता नहीं, शुद्ध गुरु वैष्णव का साथ बात करना, इसमें व्रत जो है टूटता नहीं। पहुंचा हुआ संत है, ये लोगों से बात करना जरूरी है, किया नहीं, ये सोचता है मायावादी, ये सोचता है मेरा व्रत टूट जाए, जो भी है। इस प्रसंग में ये सुना दिया, ये जो बालक है, ये बालक भी किसी का साथ बातें करते नहीं, ये परमंश है, हर वक्त मौन रहता है। लेकिन अगर जोदू महाराज मिल गया तो ऐसा मान कि भक्त जो है हैं, हैं, तो इसका साथ अवधूत सन्यासी बातें किया। ऐसा प्रसंग आता है सप्तम स्कंदमी में आता है, प्रहलाद महाराज एक दफे चुपके से, प्रहलाद महाराज जी एक दफे ये समाज संसार का स्थिति क्या देखने के लिए चुपके से अपना चुपके से बेस बना के निकल पड़े, रात के अंधेरे में निकल पड़े और किसी को पता नहीं राजा कहाँ गया। वो सिविल ड्रेस राजा ने ऐसा बेस बनाया कि बाहर का आदमी किसी को पता ना चले कि ये प्रहलाद महाराज है। प्रहलाद महाराज बाजा रास्ते में चले, जाते जाते मेरा राज्य का राजधानी का राज्य का स्थिति क्या है इसको अपने आप समझने के लिए बेस को बदल के निकल गए। और ये प्रहलाद महाराज जी के साथ अजगर सन्यासी अजगर तपस्वी का भेंट हुआ, अजगर। और प्रहलाद महाराज के साथ जब भेंट हुआ, इन्होंने बात किया और प्रहलाद महाराज जी उसका साथ बात की, ये भी प्रहलाद महाराज के बात किया। तो भक्तों का साथ बात करने से अपना मौन व्रतों का विनाश नहीं होता है, ये सिद्धांत। जदुराज का ये प्रश्न था, काल भी चर्चा की, ये आपका आनंद का सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर एंजॉयमेंट। बाहर में कुछ वस्तु व व्यक्ति आनंद का कोई चीज़ें, आनंद का कोई भी चीज़ें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन आपको देख के पता चलता है अब आनंद में डूबे वो कहाँ से ये आनंद आया। जदू महाराज जी ने ये प्रश्न किए और अवधूत सन्यासी ने बताए, मैं 24 गुरु बनाए। आपने अवधूत सन्यासी ने बताए महाराज, अवधूत सन्यासी ने बताए महाराज, हमारा जिंदगी में अगर कोई भी अच्छा चीज़ आपको नज़र में आए
मेरा जीवन जिंदगी में हे महाराज महाराज हमारा जीवन जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा दिखाई पड़ रहा है ये समझ लेना मैं गुरु जी से सीखा। अच्छा कौन है आपका गुरु जी? भले जो कुछ भी अच्छा दिखाई पड़ रहा है मेरा जीवन जिंदगी में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है अच्छा यूं समझ लेना कि मैं गुरु जी से सीखा है गुरु जी से लिया है। तो आपका गुरु जी कौन है? भले मैंने 24 गुरु बना है। 24? अरे एक गुरु मिसला मुश्किल। अरे महाराज हम 24 गुरु बनाए। 24 गुरु पर काल भी चर्चा किया। परमंश व्यक्ति जो है पल पल में ये परमंश है जो परमंश है भक्त लोग जो परमंश जो भक्त है हर वक्त हर चीज़ों से हर वस्तु से व्यक्ति से कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ सीखता है। कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ को सीखते हैं आनंद के साथ सीखते हैं। तो 24 गुरु किस किस को बनाए महाराज? बोले मैंने मेरा पहला गुरु है खेती माटी मिट्टी 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 का भी गुरु होता है? बोला हाँ ये खेती ये धरती ये मिट्टी ये मेरा गुरु है पहला गुरु। क्यों? बोले इससे मैं सीखा कैसा सहन करना चाहिए। ये जो सहन करने का जहाँ तक सहन करने का ये जो प्रसंग आया है मेरा याद हो जाता है श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का जो सहन क्षमता श्रील बामन गोस्वामी महाराज का सहन क्षमता हाय हाय ये हैरान करने वाला हैरान करने पत्थर पिघल जाएगा फिर भी महाराज का कोई विकार नहीं है। इसको भगा दो इसको मार दो इसको काट दो कितना नुकसान किया फिर भी कुछ नहीं बोला। ये महात्मा लोगों से बावन महाराज जी कितना अत्याचार किया जान से मारने का प्लान बनाया फिर भी कुछ नहीं बोला। और बावन महाराज जी कहते थे पहले बचपन से सीखा है। बावन महाराज जी कहते थे सिलो बावन महाराज जी कहते थे बचपन से सीखा है एक गुंगा का कोई शत्रु नहीं है। गुंगा जो बातें नहीं कर सके बामन महाराज जी कहते थे मैं बचपन से यही सीखते आया यही तो सीखा हूं ना बचपन से ये कोई गुंगा इसका कोई दुश्मन नहीं हो सकता। लेकिन आजकल के जमाने में मैं बोलने के लिए मजबूर हूं कि गुंगा भी है बहरा भी है इसका भी शत्रु है। अच्छा हाँ इसका भी शत्रु है मत पूछो हालत मत पूछो इतना हालत बिगड़ गया। डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमैनिटी डिग्रेडेशन ऑफ मोरालिटी सब पहुंचा। अभी भजन करना कितना कठिन है महाराज अगर अनुकूल परिवेश ना मिले तो भजन करने वालों को भी भजन नहीं बनता। अगर ये जो नया भक्त है जो नियोफाइटी इसका बात तो छोड़ो ये तो अनुकूल परिस्थिति के अलावा भजन नहीं कर सकता। साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाहे ये तो लिखा हुआ है ये मेरा बोलने का कुछ नहीं है। भजन अगर करना है कि चोरों का सामने साधु का बेस लगाकर कुछ मक्कार है इसका संभव भजन नहीं होने वाला। लिखा हुआ है शास्त्रों का प्रमाण है साधु संगे कृष्ण नाम साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाहे संसार जीनीते आर कोनो वस्तु नहीं ये लिखा हुआ है शास्त्र का मेरा कोई ये प्रवचन नहीं है। साधु संघ में कृष्ण नाम साधु संघ के द्वारा कृष्ण नाम यही चाहिए। कृष्ण नाम कभी जगदानंद पंडित जी ने लिखा असाधु संगे भाई हरिनाम नहीं आए नामक्षर बाहिराए बटे नाम को भून आए। क्या बंगला में बताया याद है ना क्या असाधु संगे असाधु का संग में कभी हरिनाम नहीं निकालता है। असाधु संगे भाई हरिनाम नहीं हो तो हरिनाम कर रहा है हम देख रहे हैं बोले ना ये हरिनाम नहीं है नामाक्षर बाहिर है बटे ये नाम का अक्षर है
ये असली नाम नहीं है। जगदानंद पंडित जी ने बताए साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाय संसार जिनिते आर कोनो वस्तु ना और कुछ नहीं। साधु संग असाधु संग में होता है। अगर कोई कहे देखो अनुकूल परिस्थिति हर हालत में चाहिए, मैं जानता हूं मैं मानता हूं यह 100% अनुकूल परिवेश आजकल के जमाने में मिलना मुश्किल है, और ये बात तो पक्का है जो परमहंस गुरु वैष्णव कभी भी अनुकूल परिवेश के लिए भगवान का चरण में कभी प्रार्थना नहीं रखते हैं। आई बात समझ में? कभी भी अनुकूल परिवेश के लिए कोई पक्का संत महात्मा कभी भगवत चरण में प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि एक संत महात्मा का कोई गुंजाइश नहीं होता, कोई गुंजाइश नहीं। एक दफे आज से हो सके 25 साल पहले, बहुत पहले, एक दफे श्रील महाराज जी के घर में कमरा में घुसा और दुख भरे नाले सुनाए महाराज तीर्थ महाराज जी को। उस जमाने में उतना भीड़ भड़क्का नहीं था, उतना धक्का मुक्की अरे निकालो अभी नहीं दर्शन होगा ऐसा नहीं था। हमने घुसा, घुस के क्योंकि उस समय में थोड़ा सेवा भी मिलता था हमको महाराज जी की तरफ से, तो मेरा साथ संबंध खराब नहीं था, अच्छा है। महाराज जी को पूछा, महाराज ऐसा मठ का स्थिति है कैसे भजन किया जाए, कैसा स्थिति है महाराज क्या किया जाए। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए बोला, अगर आप पक्का भजन करोगे, पक्का भजन करने वाले जो हैं कभी अनुकूल परिस्थिति नहीं मांगते हैं, ये भगवान का व्यवस्था है, इसी में भजन करना, ये परमहंस लोगों का विचार है। लेकिन जो नया भक्त लोग आते रहते हैं, नया ये लोगों के लिए अगर कुछ अनुकूल परिवेश नहीं दिया जाए तो एक मिनट में इसका आस्था, इसका जो विश्वास है, इसका जो विश्वास है ये टूट जाएगा, क्योंकि चारों ओर नेगेटिव परिवेश है। तो ये बात पक्का है कि अनुकूल परिवेश में मैं भजन करूं ये कभी मांगा भी नहीं, जितना प्रतिकूल हो उतना ही अच्छा है। लेकिन एक बात मानना चाहिए कि जो नया भक्त लोग है, नया आ रहा है, इन लोगों के लिए अगर बिल्कुल अनुकूल परिस्थिति नहीं है, प्रतिकूल है, ये लोग का जो कोमल श्रद्धा, इसका जो नरम नरम श्रद्धा है, कोमल, इसका कोमल श्रद्धा, ये कोमल श्रद्धा 2 मिनट में टूट जाएगा, वो चला जाए। तो सहनशील, जहाँ तक सहनशीलता का प्रश्न है, मैंने श्रील बामन महाराज जी को हल्दर बगान में वृंदावन तब रहते थे, मेरा शरीर रहते थे, वृंदावन में रहना तो मेरा काम नहीं है, मैं बद्ध जीव हूँ। महाराज जी के साथ भेंट किया, उस टाइम एक ही प्रश्न किया, महाराज जी आप आशीर्वाद कीजिए जबकि मेरा सहनशील भाव बढ़ जाए, मेरा सहनशीलता बढ़ जाए, ऐसा महाराज जी को विनती किया। महाराज जी ने मुस्कुराया और बोला, यही तो भजन है, सबसे बड़ा भजन का रहस्य है, भजन का सबसे बड़ा चीज है ये सहनशील, ये एंड्यूरिंग पावर, ये जो सहन करने का क्षमता है, ये भजन राज्यों का सबसे बड़ा सीक्रेट चीज है। जो भी है, मिट्टी का प्रसंग आया, मिट्टी को गुरु बनाया किन्होंने, अवधूत सन्यासी, अवधूत सन्यासी ने मिट्टी को गुरु बनाया, धरती को गुरु बनाया, क्यों, शास्त्रों में लिखा हुआ है धरती ए धरणी सर्वंसहा, मैंने सब कुछ सहन कर सकता है ये पृथ्वी, ऐसा कुछ नहीं कि ये नहीं कर सके हमने, ऐसा नहीं, हर वक्त सहन कर सकता है। तो 24 गुरु में सबसे पहला गुरु चुना है, सबसे पहला गुरु चुना है 24 गुरु का अंदर, ये अवधूत सन्यासी कह रहे हैं मैंने धरती को
खीती को मट्टी मिट्टी को माटी ये धरती को मैंने पहला गुरु बनाया। अच्छा किसलिए? भले कितना आदमी कितना अत्याचार कर रहे हैं फिर भी पृथ्वी कुछ नहीं कह रही है। कितना अत्याचार अन्याय कितना व्यभिचार हो रहा है धरती का ऊपर, फिर भी धरती सहन करके कुछ कहती नहीं है। एटॉमिक बम टेस्ट करो या तो इसमें कुछ भी कर लो, बिल्डिंग बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन धरती का ऊपर इतना अत्याचार होने का बावजूद धरती उत्तर नहीं देते। इसका इनकी जो धैर्यशीलता इनकी जो क्षमागुण है, हमारा शास्त्रों में विचार है सुबह में जब नींद खुलेगा, खुलने के साथ साथ धरती मैया को दंडवत करना है, इसका भी मंत्र है। ये धरती मैया का ऊपर नींद ये जो नींद है, नींद खुलने का साथ साथ क्षमा मांगना है धरती मैया से, मैया आपका ऊपर मैं चरण धर रहा हूं, क्षमा करना। ये सब बचपन से सीखने वाला चीज है। पिता माता का चरण का जल पान कर लो, माथे में दो हर सुबह में, कौन कर रहा है? सब मॉडर्न सिविलाइजेशन। ये सब पहले का शिक्षा है, हम लोगों को मिला था। मिट्टी ये धरती जो है, तमाम दुनिया का अत्याचार जो है, ये मिट्टी तमाम दुनिया का जो अत्याचार है ये सहन करते रहते हैं। ये धैर्यशीला वो क्षमागुण इसका इनके अंदर में है, इसलिए खिती ममो गुरु, इसीलिए खिती अर्थात मिट्टी मेरा गुरु है। नीचे माटी, ऊपर देखा तो पर्वत देखा, नीचे माटी है जमीन है, ऊपर देखा तो पर्वत देखा। पर्वत ये मेरा दूसरा गुरु है। पर्वत कैसे गुरु है महाराज जी? आप सुनो पर्वत कैसे मेरा गुरु है? पर्वत में इतना वृक्ष लता आदि रहते हैं, औषधि बहुत सारे औषधि है, और मणिको रत्नो पर्वत का ऊपर रहता है, बड़ा भारी मणिको रत्नो ज्वेल्स रहता है। और पर्वत में इस झरने का पानी भी रहता है। ये सब सारे जो चीज है, फल फूल, हंतायम अदृढ़बला हरिदास वर्यो जद राम कृष्ण चरणो परशो प्रमोदो मानो तनोति सहगुण गो गणयोस्तयोर्यत पानीय सुजवस कंदरो कंदमूल। है ना? किसका बारे में? गोवरा गिरिराज महाराज की जय हो। गिरिराज का महाराज का बारे में ऐसा लिख, हंतायम अदृढ़बला हरिदास वर्यो जद राम कृष्ण चरणो परशो प्रमोदो मानम तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत पानीयो सुजवस कंदरु कंदमूले। गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज महाराज का बारे में बताया गया, कैसा बताया गया? ये एक गिरिराज महाराज हरिदास वर्जो मतलब भगवान हरि का जो सेवक है, भगवान इसका मतलब है भगवान हरि का जितना सारे सेवक है इनमें से गिरिराज महाराज सबसे ऊपर है। हंतायम अदृढ़वला हरिदास बर्जो, बर्जो में टॉप मोस्ट, हरिदास बर्जो मने जितना हरि भगवान का जितना सारे सेवक है इन सेवकों में गिरिराज का नाम पहला आता है। क्यों? ये अपना झरने का पानी, एक गुफा, ये कंदर कंदमूल फल फूल
पत्ता हरा भरा ये सब देके दुनिया का सेवा करता तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा है कृष्णों का अनोखा सेवा करता है। दुनिया का तो सेवा कर ही रहा है, दुनिया का आदमी आए फल फूल ले पानी ले, ये तो कोई माना नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपना जिंदगी में बचपन में बचपन से लेकर गिरिराज महाराज को अपनाया, गिरिराज में कीड़ा खेला किया, गिरिराज में फल फूल खाया, झरने का पानी पिया, गुफा में रेस्ट लिया, गुफा में राधा रानी का सामने संगीत का चर्चा की, शिक्षा ली, ये जो चलते रहते। इसलिए भागवत जी वेणु गीता में बताया हंतायम अद्रिरवल हरिदास वर्जो, हरि का भगवान का कृष्ण का जितना सारे सेवक है इन सेवकों में गिरिराज महाराज का नाम आता है। ये पर्वत जो है इसमें औषधि है, लता पता है, क्रीपर और फूल फल फूल है, गुफा है, ये सब कुछ है, भगवान विश्राम लेते थे गुफा में। लेकिन ये पर्वत जो है अपने लिए कुछ नहीं लेता, अपने लिए कुछ नहीं लेता, ये पर्वत जो कुछ भी कर रहा है औरों के लिए। काल याद है ना, इस बात का चर्चा किया, जैसे पेड़ पौधा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ये जो वृक्ष है, इतना सारे वृक्ष है, ये देखो ये अपना फल फूल कभी लेता नहीं, सब औरों के लिए। और इतना है कि जितना भी अत्याचार करो कुछ भी कर लो, लेकिन ये बोलेगा नहीं वृक्षों जो तूने मेरे को अत्याचार किया, कल काटा था, आज हम फल नहीं देंगे, ऐसा नहीं कर रहा। जो कुछ भी कर रहा है बिहेवियर, जो कुछ भी व्यवहार कर रहा है, ये नाराज नहीं होते, ये कुछ नहीं करते, ये सब कोई को सब ये काटने आया फिर भी फल फूल दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, काल भी चर्चा किया, अहो ऐशाम बरम जन्मो, ये जन्म जो है बड़ा अनोखा जन्म है, श्रेष्ठ जन्म है। क्यों? ये वृक्ष जन्म जो है, वृक्षों अपने लिए कुछ नहीं लेते हैं, वृक्षों अपना जन्म के द्वारा औरों का उपकार करते हैं, औरों के लिए ये जो वृक्ष है, लता पता है, वृक्ष है, ये औरों के लिए जीता है, अपने लिए नहीं जीता, ये औरों के लिए जीता है, औरों के लिए, अपने लिए नहीं। नदी बहती हुई नदी, ये भी अपने लिए पानी नहीं पीते, पीती है कुछ नहीं। जलानितासाम न पिबंति न द फलानि तद्वद् न खदन्ति वृक्षाः, जलानितासाम न पिबंति न द, ये नदियां जो है अपना पानी को पीते नहीं न, जैसे एक वृक्ष हो अपना फल को पाता नहीं। जलानितासाम न पिबंति न द फलानि तद्वद् न खदन्ति वृक्षाः ना। फिर इसका बात बोला, ये जो शस्य है अनाज, ये जो अनाज उगाता है किसान लोग, ये जो किसान लोग अजान को अनाज को उगाता है, नादत्त शस्यानी मेघा कदाचित परोपकारा यो सतांग विभूति, क्या बताया? ये जो मेघ आसमान में जो बादल है, ये बादल समय समय अपना वर्षा करके, समय समय अपना वर्षा करके ये अनाज फनाज फल फूल सब कोई को हरा भरा कर देते हैं, लेकिन जब अनाज उगेगी, जब फल फूल हो, तो ये जो बादल है ये बोलते, अरे मैंने पानी दिया था, दे थोड़ा माल, मेरे को भी शेयर दे, मैं पार्टनर हूँ, ऐसा नहीं बोलता। ये जो मेघ है बादल है, ये कितना उपकार करता है बोलो, पानी देके, कहाँ समुंदर है कहाँ नदियां हैं, सारे से पानी को उठा कर हमारा मित्र मतलब सूर्य थे, ये पानी को उठाकर आसमान में ले जाते, अब बादल से आसमान ढक लेते हैं, उसके बाद बादल से वर्षा हो गया तो सब पानी हो गया, अब पानी देना तो संभव नहीं, इतना जाएगा अलग से। जलानितासाम न पिबंति न द फलानि तद्वद् न खदन्ति वृक्षाः,
नादत्ते सस्यानि मेघा कदाचित् परोपकाराय सतांग विभूति। क्या बताया? जलानि तासां न पिबन्ति नद्यः फलानि तद्वद् न खादन्ति भिक्षा। नादत्ते सस्यानि मेघा कदाचित् परोपकाराय सतांग विभूति। ये साधु महात्मा, इनके जितना गुणावली है, जितना सारी क्षमता है, सारे औरों के लिए, अपने लिए नहीं है। परोपकारायो, परोपकार करने के लिए, औरों के लिए, परोपकारायो सतांग विभूति। साधु महात्मा का जो विभूति, एक एक महात्मा का एक एक विभूति है। जैसे हमारा वन महाराज, जैसे हमारा भक्त भी, जैसे हमारा भक्ति हृदय बनु महाराज जी, इसको ब्रजो विभूति टाइटल दिया गया। ये बन महाराज जी को, ये बन महाराज जी को चारों संप्रदाय से, ये बन महाराज जी को चारों संप्रदाय से ब्रजो विभूति, ब्रज की विभूति, ऐसा टाइटल दे गया। बन महाराज जी को चार संप्रदाय का कॉमन आचार्य निर्णय किया गया। इतना ज्ञानी है, इतना भक्तिमान श्री बन महाराज जी को चारों संप्रदाय का आचार्य माना गया। बन महाराज जी का नाम पे है कॉलेज, है सरकारी कॉलेज है, श्री बन महाराज जी का नाम पे सरकारी स्कूल है, क्या कुछ नहीं है, लाइब्रेरी है। ये बन महाराज जी का नाम पड़ गया था, बन महाराज जी का नाम दे गया, बन महाराज जी को नाम दिया गया था ब्रज विभूति, श्रील बन महाराज जी ब्रज विभूति, ब्रज की विभूति है। तो संत महात्मा का, जितना सारे संत महात्मा हैं, ये संत महात्माओं का विभूति रहता है। जैसे गोस्वामी महाराज संप्रदाय का विभूति है, हमारा संप्रदाय का विभूति है गोस्वामी महाराज, बन महाराज हैं, क्या पूछे बोलो। कोई अगर इसका निंदा करे तो हम छोड़ देंगे क्या? छोड़ देंगे इसका निंदा करे तो, कोई चुकली करे तो। श्री बन महाराज जी ब्रज विभूति है, हमारा संप्रदाय का विभूति है। देखो ये हमारा गोसाई महाराज जी, हमारा संप्रदाय का विभूति है श्री श्रीधर गोसाई महाराज, श्रीधर गोसाई महाराज प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद कहते थे ये जो श्रीधर महाराज जी हैं, प्रभुपाद कहते थे ये जो श्रीधर महाराज जी हैं, ये हैं पूरा संप्रदाय का संपत्ति। प्रभुपाद कहते थे गौड़ियों का सबसे बड़ा प्रचारक है श्री श्रीधर गोसाई महाराज। श्रीधर गोसाई महाराज पूरा गौड़िया खानदान का संपत्ति है, चिल्ला चिल्ली करने से होता नहीं, चुकलीबाजी करने से प्रचार नहीं होता। जो भी है, जलानी तासाम न पिबंती नद्यः नाद हैं, और फलानी तासाम न खादन्ति भिक्षा। वृक्षों आम जाम कटाइल, कितना सारे फल फूल हैं, लेकिन वृक्षों एक भी नहीं आहार करते। आज जो शोषो अनाज, अनाज से जमीन से उगता है, उगाने वाले कौन हैं? किसान हैं। आसमान में पानी देने वाले भगवान हैं। आसमान से बादल पानी देते हैं, लेकिन बादल कभी भी दबा नहीं करते। ये जो बादल है कभी दबा नहीं करते। ए, मैंने पानी दिया तो मेरे को भी दे, ऐसा नहीं दावा करता। ऐसा माफिक तुलना किया गया परोपकारा यो सताम विभूति। सताम विभूति साधु सन्यासियों का अंदर में कोई पावर है, पावर मतलब कृपा अगर है, इतना गुणावली है तो औरों के लिए, अपना लिए नहीं। श्री श्रीधर गोसाई महाराज अपना जिंदगी में जितना पावर था, जितना सारी क्षमता, ये प्रभुपाद का सेवा में दे दिया।
प्रभुपाद का सेवा में मेरा गुरुजी मरते दम तक मेरा गुरुजी शिला भक्ति पूरी श्री महाराज जी परमंश गुरुदेव ये अपना जिंदगी में जो कुछ भी है सारे प्रभुपाद के लिए दे दिया। मैं भी ये सीखा है, मैं देने का अभ्यास बना रहा हूँ। मैं छोटा मोटा आदमी हूँ, जितना भी प्रणामी जितना भी किताब है जो भी छपाओ सब कुछ सब प्रभुपाद के लिए, मेरा जिंदगी प्रभुपाद के लिए है, ऐसा होनी चाहिए। कुछ भी बोले चुगली करे आदमी, मेरा क्या आता जाता है। भगवान ने अपना दोस्तों को जंगल में भटकते हुए वृंदावन का जंगल में भटकते हुए भगवान अपना दोस्तों को बताएं, अहो वृक्षों को दिखाया, देखो कितना सहनशील है, कुछ भी नहीं मांगता किसी से, औरों को लिए इसका जिंदगी है, देखो कितना फल है कितना फूल है कितना पत्ता है कितना कुछ है, लेकिन अपने एक भी नहीं लेते हैं। भगवान श्री कृष्णो ये पेड़ों को दिखाकर भगवान कह रहे हैं अपना दोस्तों को, हे दोस्तों देखो, अहो एशांबरम जन्मो सर्वपानी उपजीविनम सुजनस्य एव येषां वै विमुखा यन्ति नार्थिनः। अहो एषां वरम जन्म सर्व प्राणी उपजीविनम, देखो इसका जन्म का क्या महिमा है। देखो ये जो पेड़ है ना, ये जो पेड़ पौधा है, देखो इसका जन्म का महिमा कैसा है। ये औरों के लिए जीता है ना, एक वृक्षों का जिंदगी औरों के लिए है, अपना लिए नहीं है। अहो एषां वरम जन्मो सर्वपानी उपजीविनम सुजनस्य एव सर्वेषां वै विमुखा जान्ति नार्थिनः। जैसे एक साधु सन्यासी का सामने जाकर प्रार्थना करो, महाराज हमारा ऐसा मुसीबत है थोड़ा व्यवस्था कर दो, वो कृपालु है दयालु है कर देते हैं। सुजनस्य एव, एक संत महात्मा जैसे औरों का दुख कष्ट सहन नहीं कर पाते और उसको समाधान के लिए करुणा बरसते हैं, ऐसा मापिक है। कोई भी कुछ भी मांगे, कोई भी अगर कुछ भी मांगे तो उसको दे देते हैं, कोई भी अगर कुछ भी मांगे हैं? कोई भी अगर कुछ भी मांगे तो उसको दे देते हैं, ले जा क्या चाहिए ले जा, पानी पत्ता फूल फल सब ले जा, कुछ नहीं चाहिए, फ्री सब निशुल्क फ्री सर्विस है। अहो एषां वरम जन्मो सर्व प्राणी उपजीविनम सुजनस्य एव सर्वेषां वै विमुखा यन्ति नार्थिनः। क्या बताया, अहो एषां वरम जन्मो सर्व प्राणी उपजीविनम सुजनस्य एव सर्वेषां वै विमुखा यन्ति नार्थिनः। जो कोई भी अपना मांगे, जो कोई अपना मांगे लेकर आते हैं वृक्षों के सामने, महाराज हमको फल चाहिए हमको फूल चाहिए हमको पत्ता चाहिए, ले जा सब ले जा। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, देखो एक संत महात्मा का जिंदगी में ऐसा है, और देखो दोस्तों ऐसा माफिक जिंदगी अगर किसी का हो तो किसका हो सकता है, साधु संतों का। साधु संतों से मांग लो, क्या चाहिए बोलो सब ले जाओ, क्या चाहिए बोलो सब ले जाओ, तुमको चाहिए तो ले जाओ। तुमको अगर सुख मिलता है, तुम अगर भजन करोगे तो ले जाओ, क्या चाहिए लो। अगर हिंसा करे तो क्या करे, जो मांगे वो दे दे, चले चल ले जा। लेकिन अगर हिंसा करे तो क्या किया जाए, हिंसा करने से क्षमा करता है। अरे महाराज नीति शास्त्रों में कितना सारे विचार है, नीति शास्त्र ये भी हमारा नीति शास्त्र है।
कोकिलानाम स्मरो रूपम, कोयल का ये जो पंछी कोयल है, यह लिखा हुआ है नीति शास्त्रों में, कोकिलानाम स्मरो रूपम, कोयल कोयल का जो कंठस्वर है कू कू ये जो करते हैं ये इसका रूप है। देखने में तो कालापन है कौवा जैसा, लेकिन इसका कंठस्वर जो है ये इसका सौंदर्य है, ये इसका सौंदर्य है। कोकिलानाम स्मरो रूपम स्वर, कोकिलानाम स्मरो रूपम स्वर कंठस्वर, कोकिलानाम स्वरो रूपम नारीनाम पतिव्रतम। एक नारी महिला देखने में अच्छा नहीं है, लेकिन इसका प्रतिव्रता जो धर्म है ये इसको महियसी बना दी, ब्यूटीफुल बना दी, क्योंकि ये प्रतिव्रता नारी है। प्रतिव्रता नारी का महिमा यहां तक है जो देवता लोग भी इसका सामने परेशान हो जाते हैं, हार जाते हैं। प्रतिव्रता नारी का कहानी हम उठाएंगे, काल दिखाएंगे कितना पावर है। सूरज देव का आसमान में उदय होना बंद कर दिया, चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु जी ने बताया सनातन को, प्रतिव्रता रमणी का इतना पावर है, काल चर्चा करेंगे, आज टाइम नहीं है। तो जो बात कह रहा था, कोकिलानाम सरो रूपम कंठस्वर रूप है, नारी नाम पतिव्रताम, नारियों के लिए देखने में खूबसूरती है ऐसा नहीं, इसका प्रतिव्रता है तो ही इसका असली रूप, शास्त्रों में कहावत है, सी इज ब्यूटिफुल लेडी, देखने में अच्छा है, अंदर में डाइनी है तो क्या काम का है, कोई एक काम का है क्या। कोकिलानाम सरो रूपम नारी नाम पतिव्रताम है और खमा रूपम तपस्वी नाम, तपस्वियों के लिए इसका ब्यूटी जो है ये खमा है। आई बात समझ में, ककीलानं सरो रूपम विद्या रूपम कुरूपणाम, क्या ध्यान से सुनना क्या बताया, भले ये जो विद्या है जिसका पास विद्या है देखने में बहुत खराब है, कोकिलानाम सरो रूपम कंठस्वर कोयल का रूप है, विद्या रूपम कुरूपणाम एक कदाकार देखने वाले सोक्रेटिस, सोक्रेटिस का नाम सुना है, सोक्रेटिस बड़ा अच्छा आदमी था लेकिन हम प्रशंसा नहीं करेंगे, हम प्रशंसा वैष्णवों की करेंगे हैं, क्योंकि माना है प्रभुपाद जी ने माना कर दिया। सोक्रेटिस को देखने में बड़ा घटिया, आर्किमिडीज सोक्रेटिस बड़ा बड़ा आदमी लेकिन विद्वान है। विद्या रूपम कुरूपणाम, कुरूप वाले कदाकार देखने वाले का विद्या रूप होता है। नारीनाम पतिव्रताम, नारियों के लिए रमणी के लिए पतिव्रता रमणी यही ब्यूटीफुल है। और खमा रूपम तपस्वी नाम, जो तपस्या करने वाले हैं साधु संत महात्मा हैं, इसका क्षमा गुण, क्षमा जैसे युधिष्ठिर महाराज क्षमा कर दिया, द्रौपदी क्षमा कर दिया, किसको द्रौपदी क्षमा कर दिया ना, देखो द्रौपदी क्षमा कर दिया, ये सब प्रसंग आता है महाभारत में, क्षमा कर दो, जब ये असत्तमा इतना अन्याय किया फिर भी द्रौपदी कह रही है इसको क्षमा कर दो, छोड़ दो, छोड़ दे, कैसे छोड़ दे ना, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, ये ब्राह्मण जो है ब्राह्मण का फिजिकल पनिशमेंट नहीं है, ब्राह्मणों को अपमान, ब्रह्म बंधु भगवान श्री कृष्ण ने बोला, ब्रह्म बंधु नहांतव्यो अतताई बदारहणो मयैव उभयम नातम परिपाही अनुशासनम। बड़ा चालाक है कृष्ण, कृष्ण एक तरफ अर्जुन को बोला, अर्जुन को बोले देखो ब्रह्म बंधु नहांतव्यो,
ब्रह्म बंधु को हत्या नहीं किया जाता है, आतोताई जो है आतोताई बद आतोताई को मारना चाहिए हर हालत में, वो आतोताई है जो पॉइजन विष देता है, जो अग्नि संयोग करता है, औरों का औरत को औरों का औरत औरत को उठा के ले जाते हैं पत्नी को, ये सारे गद्दार हैं, बेईमान हैं, बेईमान है, गद्दार है, इसको विश्वास न करो, गद्दार है, बेईमान है ये, तो आतोताई है। शास्त्रों में विचार करें, अग्नि संयोग करे, विष खिला दे, अचानक पीछे से आगे मार डाले, अब किसी का पत्नी को उठा के ले जाए, तो आतोताई बदा रहनो। भगवान ने बोला ये देखो, ये तो ब्रह्म बंधु नान्तव्यो आतोताई बदा रहनो, आतोताई को मारना चाहिए हर हालत में। और तुम मेरा बात, भीमसेन का बात, और युधिष्ठिर महाराज के बाद मेरा बात, और कुंत और तुम्हारा द्रौपदी का बात सारे समाधान करो। अरे कैसा मुसीबत में डाल दी, मैं जा कहूँ ये भी पालन करो, अर्जुन ने जो बोला ये भी पालन करो, भीम दादा ने जो बोला वो भी पालन करो, और द्रौपदी जी ने जो बोला वो भी पालन करो। अरे कैसे करें एक साथ, काल चर्चा करेंगे, आज टाइम नहीं है। अहो ये सांबरम जन्म हो सर्व पानी उपजीविनम सुजनस्य एव जेषां वै विमुखा जन्ति नार्थिनः वांछकल्पतरुष्य के पास सिंधु पतितानं पावनं वैष्णवेभ्यो नमो नमः।